हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पहली बार एक ऑडियो टॉपिक लेके आया हूँ। सोशियोलॉजी पे है ये, जिन लोगों को सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है या वो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोशियोलॉजी MA सेकेंड यानी कि फाइनल ईयर का टॉपिक है। प्रकारवाद, प्रकारवाद को अंग्रेज़ी में फंक्शनलिज्म कहते हैं और इसको मार्टन के व्यू से हम पढ़ेंगे। तो इसमें मार्टन के अनुसार प्रकार शब्द के प्रकार शब्द जैसे सार्वजनिक कार्य के रूप में प्रकार, व्यवसाय के रूप में प्रकार, किसी व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में एक प्रकार, सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में प्रकार, इसी प्रकार प्रकार शब्द को उद्देश्य, प्रेरणा, प्राथमिक हित, लक्ष्य आदि को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु मार्टन ने प्रकार के केवल दो आधारभूत अर्थों को स्वीकार किया है। पहला है सावयवी व्यवस्था के रूप में प्रकार, दूसरा है एक सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत परिणामों को प्रकार के रूप में। अपने प्रकार्यात्मक विवेचना के संदर्भ में मार्टन ने बताया कि प्रकार्यात्मक एकता एक प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। दूसरा ये कि कोई भी सामाजिक घटना जो किसी एक समूह के लिए प्रकार्यात्मक है, वही दूसरी समूह के लिए दुष्प्रकार्यात्मक हो सकती है। तीसरा, उन्होंने बताया कि एक समाज तथा दूसरे समाज के प्रकार्यात्मक परिणाम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, फलस्वरूप सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की अवधारणा में यशोचित संशोधन आवश्यक है। चौथा, इन्होंने बताया कि इस मान्यता में संशोधन होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई एक निश्चित प्रकार को करती है और इस अर्थ में उनका होना अपरिहार्य है। मार्टन ने इस स्थापना में संशोधन किया है और बताया है कि एक इकाई एक से अधिक प्रकारों को कर सकती है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी एक ही काम को कर रहा है, एक आदमी कई कामों को कर सकता है और साथ ही प्रकार के लिए इकाइयों के बीच विकल्प का होना भी संभव है। उसके बाद में हम आइए देखते हैं कि प्रकार का वर्गीकरण कितने में किया गया है। तो इसको दो भागों में उन्होंने बांटा है। एक है कि स्तरीकृत सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्य, वो तथ्य जो स्तरीकृत है सामाजिक है, तो इसमें है कि जिनमें कि प्रकार संबंधित होता है, तथ्यों का स्वरूप निश्चित होता है और इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। सामाजिक भूमिकाएं, संस्थागत प्रतिमान तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को इनके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ पक्ष। वस्तुनिष्ठ पक्ष का प्रत्यय है इनके अंतर्गत प्रेरणाएं तथा उद्देश्य को शामिल किया जाता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठ परिणामों का प्रत्यय, एक है। दूसरा नंबर है जो है वो वस्तुनिष्ठ पक्ष है और तीसरा है वस्तुनिष्ठ पक्ष के जो परिणाम आएंगे उसका प्रत्यय क्या है, फंक्शन। इनके अंतर्गत जिन परिणामों को शामिल किया गया है वो इस प्रकार है, गोचर तथा अगोचर, तथा दूसरा है प्रकार्यात्मक और दुष्प्रकार्यात्मक। तो गोचर में क्या है, इसमें गोचर प्रकार वे वस्तुनिष्ठ परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल का सामंजस्य में योगदान देते हैं, ये इच्छित होते हैं और व्यवस्था में भाग लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा मान्य होते हैं। इसके विपरीत अगोचर प्रकार का अभिप्राय उन वस्तुनिष्ठ परिणामों से है जो ना तो इच्छित होते हैं और ना ही मान्य होते हैं। दूसरा है प्रकार तथा अकार्य। मर्टन के अनुसार प्रकार का अभी मतलब उस गोचर परिणाम से है जो कि किसी प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था में समायोजन तथा सामंजस्य की वृद्धि कर सकते हैं। इसके विपरीत अकार्य का अभिप्राय उन गोचर परिणामों से है जो किसी व्यवस्था में समायोजन तथा सामंजस्य को कम करते हैं। तो ये है प्रकारवाद के बारे में थोड़ा सा फंक्शनलिज्म। और ये कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। और समाजशास्त्र से जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं वो किस तरह का टॉपिक चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।